हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मैक्रोनी पास्ता की रेसिपी। बहुत ही क्रीमी बनता है और बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। बनाने में भी ये बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो पास्ता बनाने के लिए मैंने एक भगोने में पानी गर्म होने के लिए रख दिया है और अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून घी। घी को अच्छे से इसमें मिक्स कर लेते हैं ताकि जो पास्ता है वो स्टिकी ना हो। और अब मैंने यहाँ पर 1 कप मैक्रोनी पास्ता लिया है, उसे इसमें डाल करके इसे बॉयल कर लेंगे अच्छे से। इसे बॉयल करने में हमें 8 से 10 मिनट लगेंगे। देखिए इसमें उबाल आ गया है और ये देखिए हमारा जो पास्ता है वो पक गया है अच्छे से। मैं आपको एक कट करके दिखाती हूँ। देखिए जो हमारा मैक्रोनी पास्ता है वो यहाँ पर पक गया है अच्छे से। अब इसे हम हटा लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई चढ़ाई है और गैस की फ्लेम को मैंने यहाँ पर हाई पे रखा है। हाई फ्लेम पर हम इसमें 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। अब मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून लहसुन और 4 हरी मिर्च को कट कर के ले लिया है, उसे इसमें डाल देंगे। मिला लेंगे इसे अच्छे से। और अब यहाँ पर मैंने 1 बारीक कटा हुआ प्याज लिया है, उसे भी इसमें मिला करके अच्छे से पका लेते हैं तब तक जब तक ये हल्का सा कलर चेंज ना हो जाए इसका। तो देखिए जो प्याज है हमारे वो पक गए हैं, हल्का सा कलर चेंज हो गया है इसका। और अब यहाँ पर हम टमाटर ऐड करेंगे। तो मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर को बारीक कट करके लिया है, उसे इसमें डाल देंगे। टमाटर का टेस्ट इसमें बहुत ही अच्छा आता है, इसलिए टमाटर की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखें। इसे मिला लेंगे और अब स्वाद के अनुसार इसमें हम नमक ऐड कर देते हैं। 1/2 टेबल स्पून यहाँ पर रेड चिली पाउडर ऐड कर लेते हैं और इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करने के बाद हम इसे 2 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि टमाटर हमारे थोड़े सॉफ्ट हो जाए। 2 मिनट बाद ढक्कन हटाते हैं। टमाटर हमारे थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं, इसे थोड़ा सा हम मैश कर लेते हैं। ऐसे चलाते हुए थोड़ा सा मैश करते हैं हम इसे। तो देखिए जो टमाटर हैं हमारे वो हो गए हैं। और अब यहाँ पर मैं 2 टेबल स्पून टोमेटो केचप डालूंगी और 4 टेबल स्पून यहाँ पर मैं मेयोनीज डाल रही हूँ। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और जो हमारा पास्ता है वो बहुत ही क्रीमी बनेगा। इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है और अब जो पास्ता हमने कुक करके रखा हुआ था उसे इसमें डाल देते हैं और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए इसे अच्छे से चलाते हुए हमें मिक्स कर लेना है। देखिए अभी से ये कितना टेस्टी लग रहा है देखने में। थोड़ा सा मैं यहाँ पर पानी ऐड करूँगी और इसे मिला लेंगे हम थोड़ा। इसे 2 मिनट के लिए हम ढक देते हैं। 2 मिनट बाद ढक्कन हटाते हैं फ्रेंड्स। और देखिए हमारा क्रीमी मैक्रोनी पास्ता बन करके तैयार हो गया है। देखने में कितना टेस्टी लग रहा है, चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारा क्रीमी मैक्रोनी पास्ता बनकर तैयार है। बहुत ही टेस्टी लगता है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को